अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, लर्निंग विद स्माइल के साथ मैं मोहम्मद अदनान बशीर और आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी वीडियोस की प्लेलिस्ट वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आप किस तरह से प्लेलिस्ट वगैरह क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आप इस प्रोसेस को मुकम्मल तौर पर सीख सकें। और उसके बाद अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नेम है लर्निंग विद स्माइल। और इसी तरह से आप लर्निंग विद स्माइल फेसबुक पर सर्च कर उसको भी जान कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने नए वीडियोज़ के लिंक्स वगैरह को शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम अपने चैनल पर जाएंगे जिस पर हम अपनी प्लेलिस्ट वगैरह को क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे वहां पर वीडियो मैनेजर पर क्लिक करेंगे। वीडियो मैनेजर पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर उसका स्टार्ट होने का वेट करेंगे। वीडियो मैनेजर को ओपन होने के बाद आप हम यहां से सिंपली यहां पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। प्लेलिस्ट पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी और उस विंडो में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हमने प्लेलिस्ट वगैरह ऑलरेडी क्रिएट की हैं तो वो यहाँ पर आ रही हैं। अगर आपने कोई प्लेलिस्ट वगैरह क्रिएट की है और उस आपके चैनल की कोई वीडियो वगैरह डिलीट हो गई हैं और वो आपने प्लेलिस्ट में शामिल की थी और आप उनको रिमूव करना चाहते हैं, उसको किस तरह से रिमूव करेंगे, तो आप उसको मेरे इस चैनल में वीडियोस उसके मुतलक है और आप उस वीडियोस को देखकर आप उससे सेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे किस तरह से हम न्यू प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर न्यू प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। न्यू प्लेलिस्ट पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम प्लेलिस्ट का टाइटल देंगे, मसलन ये मेरा मूवीज के ट्रेलर्स के मुतलक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ ट्रेलर्स 2018 के नाम से मैं कर देता हूँ मूवीज ट्रेलर 2018। इस तरह अगर आपके कंप्यूटर के बारे में तो आप यहाँ पर लिखें रिलेटेड कंप्यूटर्स, यूट्यूब के बारे में तो लिखें यूट्यूब करते हैं या यूट्यूब वीडियोस वगैरह करते हैं। इस तरह से वीडियो एडिटिंग के बारे में तो आप यहाँ पर लिखते हैं वीडियो एडिटिंग, जो भी आप करना चाहते हैं। यहाँ मसलन मैंने ट्रेलर 2018 किया और यहाँ से हम कैटेगरी को यहाँ से हम इसको पब्लिक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे। जब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इसमें कोई आप वीडियोस वगैरह ऐड करें, तो यहाँ से हम ऐड वीडियोस पर क्लिक करके उसमें वीडियोस वगैरह ऐड कर सकते हैं। वीडियोस ऐड करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले अपने चैनल की वीडियो को उसको ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर उसका लिंक सेलेक्ट पेस्ट करेंगे और वो यहाँ से ऐड हो जाएगी। इसी तरह से इसको हम दूसरा प्रोसेस इसका तरीका कौन सा है जिसमें हम प्लेलिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हम वीडियो मैनेजर पर जाएंगे। वीडियो मैनेजर पर जाने के बाद हम इसके ओपन होने का वेट करेंगे और यहाँ पर जैसे ही कोई वीडियो मसला, मैं यहाँ पर एडिट पर जाता हूँ और फॉर्मेशन सेटिंग पर जाता हूँ, हम यहाँ से भी जाकर नई प्लेलिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर कोई वीडियो वगैरह अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड होने के बाद आप दस्ते यहाँ पर ऐड प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे ऐड प्लेलिस्ट पर, यहाँ पर ये देखिए मैंने ऑलरेडी चूज किया हुआ है। जब आप नहीं क्रिएट करना चाहते तो यहाँ पर उसका नेम लिखेंगे, मसलन मैं लगा लेता हूँ न्यू मूवीज। न्यू मूवीज पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आ रहा है क्रिएटेड मूवी क्रिएटेड न्यू, अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे। क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि वो क्रिएट हो चुकी है, ये देखिए न्यू मूवीज के नाम से आ गई। क्रिएट करने के बाद उसका हम यहाँ से सेव कर देंगे। इस तरह से आप अपनी प्लेलिस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसका नेम है लर्निंग विद स्माइल। और आप मेरे फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका नेम है लर्निंग विद स्माइल।
मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।